हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चरर पोजीशन के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ह्यूज वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक टेबल में यहाँ पे सब्जेक्ट एंड टोटल वैकेंसीज यहाँ पे दिखाया गया है। तो क्या क्या सब्जेक्ट है वो एक बार ये चेक कर लेते हैं। जैसे कि तमिल, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, मलयालम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, देन कॉमर्स, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। ठीक है, टोटल वैकेंसी अगर आप देखें तो 67 वैकेंसी टोटल रिलीज किया गया है। उसके बाद रिजर्वेशन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अगर आप सब्जेक्ट वाइज कौन सी कैटेगरी में क्या वैकेंसी है वो चेक करना चाहते हैं तो ये थर्ड जो टेबल है इसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है वो आपको यहाँ से बहुत ही डिटेल्स में मेंशन किया गया है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी को ऐसे रखा गया है कि जो भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करेंगे उसी डिसिप्लिन में आपका बैचलर्स एज वेल एज मतलब ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेक्चरर इन तमिल के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो बी ए तमिल एंड एम ए तमिल आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश के लिए बी ए इंग्लिश एंड एम ए इंग्लिश। अगर कोई भी साइंस सब्जेक्ट की बात करें जैसे लेक्चरर इन मैथमेटिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो बी एस सी मैथमेटिक्स एंड एम एस सी मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। तो कोई भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करें उसमें ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सेम डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपका बी एड कम्प्लीट होना चाहिए एंड रीजनल लैंग्वेज जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम कोई भी एक सब्जेक्ट आपका सेकेंडरी लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एज लिमिट पर। तो यहाँ पे देखिए 30 इयर्स रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट। अगर आप एज रिलैक्सेशन को फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए टेबल को फॉलो करना होगा एंड यहाँ से आपको पता चलेगा। जैसे कि ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 5 साल का एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया है। जैसे 10 इयर्स फॉर जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 13 इयर्स फॉर ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी और बीसीएम एंड 15 इयर्स फॉर एससी कैंडिडेट। रिमेनिंग जो भी यहाँ पे कैटेगरी कैंडिडेट है, रिजर्व कैटेगरी है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेटिविटी और रेसिडेंस के पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पे रेसिडेंस है जैसे कि पुदुचेरी का जो यूनियन टेरिटरी का नेटिव्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबल होते हैं फॉर दिस फॉर एनी पोस्ट। और जिन्होंने यहाँ पे 5 साल से यहाँ पे लास्ट 5 ईयर से जो कंटिन्यू यहाँ पे रह रहा है तो वो यहाँ पे जो है एलिजिबल होते हैं फॉर एनी ऑफ द पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि दोज हु आर नेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी और रेसिडेंट्स by continuous residence in the UT for the last 5 years immediately preceding the date of notification only are eligible to apply for the post. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी other state candidate यहाँ पे apply नहीं कर सकते हैं। जो union territory का है पुदुचेरी का वही यहाँ पे जो है apply करने के लिए eligible होते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट देन EWS सर्टिफिकेट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, अगर आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट देख लेते हैं, क्या रिक्रूटमेंट का मोड रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स टोटल दिए गए हैं, तो 100 मार्क्स में से यहाँ पे 90% वेटेज रहने वाला है एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर। ठीक है, एंड 10% वेटेज फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सीनियोरिटी। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई एंड लास्ट डेट वगैरह क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 19 जनवरी से मतलब 19 जनवरी से जो है स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड 17 फरवरी तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 17 फरवरी तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 5:40 PM तक। ठीक है, तो काफी टाइम है अभी अभी आपके पास, ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये लास्ट डेट है। बट ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे ही आप सबमिट करते हैं तुरंत ही एक आपको प्रिंट आउट ले लेना है एंड जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके जो प्रिंट आउट लिया है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का उसके साथ आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के लिए यहाँ पे देखिए एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, इसी एड्रेस पर आपको सेंड करना है एंड यहाँ पे आप इन पर्सन या फिर रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड एनवेलप के ऊपर आपको जरूर मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। ठीक है,
एंड यहाँ पे जो प्रिंट आउट सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो है 23 फरवरी, मतलब कि 23 फरवरी 2024। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए पहले से रेडी रखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, SSLC सर्टिफिकेट हो गया, HSC सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, जितने भी सारे सर्टिफिकेट मार्कशीट्स है जैसे बैचलर्स डिग्री का, मास्टर्स डिग्री का, बीएड का, सभी जो है यहाँ पे, कोई भी अवार्ड्स आपने अचीव किया है तो सभी जो है आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे रेडी रखना है बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज एक बार अच्छे से देख लेना। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन करता है तो उनका जो एप्लीकेशन है सारे के सारे एप्लीकेशन उनका कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अवॉइड रजिस्टरिंग मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्टर ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोडिंग के लिए यहाँ पे जो सारे फीचर्स है वो दिए गए हैं, जैसे कि कितने पिक्सल पे होना चाहिए, क्या बैकग्राउंड रहने वाला है, क्या रिजोल्यूशन है, A4 सीट में आपको करना चाहिए, ठीक है, डायमेंशन वगैरह सारे सब कुछ, साइज क्या होना चाहिए, नॉट ले शुड बी लेस देन 150 KB। तो ये सारी चीजें एक बार ही यहाँ से आप अगर आप चेक करेंगे नोटिफिकेशन को, एक बार तो आपको रीड करना ही है बिफोर एप्लीकेशन, तो उसमें आपको सारे सब कुछ पता चल ही जाएगा, ठीक है। कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए बोला जाता है, तो वो फोटो कॉपीज यानी कि जेरोक्स कॉपीज सेंड ना करके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वही सेंड कर देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सेंड कर देते हैं एंड देन आप कॉन्टेक्ट करते हैं कि मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट मुझे वापस चाहिए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एंड बहुत दिक्कतें होते हैं। तो ऐसे जो मतलब क्या बोलूं मैं, ये जो गलतियां हैं ये बिल्कुल ना करें। हमेशा जो सेंड करने के टाइम पे जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है सभी का जेरोक्स कॉपीज आपको सेंड करना होता है। जब इंटरव्यू के टाइम आता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आता है उस टाइम पे आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाना होता है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। कभी भी अगर सेंड करने के लिए बोला जाए तो फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स बिल्कुल मत सेंड कीजिए, ठीक है। ये सारे छोटी छोटी चीजें आपको मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर कोई भी क्लेरिफिकेशन की आपको जरूरत हो तो फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलेटेड, तो फिर आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड उसका टाइमिंग भी दिए गए हैं, जैसे सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक एंड 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए PWD कैंडिडेट्स को लेके यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि उनका क्या कैटेगरी रहेगा, क्या मतलब सारे फीचर्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से ये नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन फीस तो यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, 67 पोजीशंस। बट यहाँ पे जो मैंने बताया कि पुदुचेरी का जो यूनियन यूनियन टेरिटरी में रहने वाला जो कैंडिडेट है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट का कैंडिडेट यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन देखिए आया है गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के तरफ से, ठीक है। लेक्चरर की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, जरूर अप्लाई कीजिए यहाँ पे। एंड डेट्स वगैरह मैंने पहले ही बता दिया था कि 19 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है एंड 17 फरवरी को यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट है, ऑन रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो, अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाकर डेली चेक करें, वहाँ पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।